मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट, आप मुझसे मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर किसी को अचानक से चक्कर आ जाए या सिर घूम रहा हो तो उस कंडीशन में आप न्यूरोथेरेपी का कौन सा पॉइंट देंगे। वैसे तो चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सर्वाइकल हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, स्पोंडिलाइटिस हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, शुगर डाउन हो जाती है तभी हो सकता है, बीपी हाई हो गया तो भी हो सकता है। जिस कारण की वजह से हमें चक्कर आ रहे हैं उसका उचित कारण किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाकर ही उसका इलाज होगा। हर एक कारण का इलाज न्यूरोथेरेपी में है, उसके लिए भी आपको किसी न किसी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास ही जाना होगा। लेकिन घर में किसी को अचानक से चक्कर आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करें तुरंत, उसके लिए मैं एक पॉइंट आपको सिखाता हूँ जो आपको तुरंत राहत देगा, चाहे वजह कोई भी हो। तो उस कंडीशन में सबसे फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, फर्स्ट एड के तौर पर हम क्या पॉइंट देंगे चक्कर आए तो ये पॉइंट आपको बताते हैं। उस पॉइंट का नाम है पिट पॉइंट। इस पिट पॉइंट को देते हैं, इसका एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। यानी कि आप सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं उसको सिंपल आप लेटा दीजिए। तो सबसे पहले आप इस पेशेंट को लिटा दीजिए जिसको भी चक्कर आए हैं, और इस तरीके से हाथ ऊपर करके उसको लिटाना है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा कैसे देना है। फिर एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, दोनों पॉइंटों पर एक साथ प्रेस करना है। फिर दूसरा हम कंधे पर प्रेस करेंगे दूसरा पॉइंट, तीसरा फिर वही कोहनियों पर रिपीट करेंगे, और चौथा पॉइंट हम लोग कंधे पर देंगे। तो जब हम चार बार देंगे, देनी है, जैसे आप ये चार ट्रीटमेंट देंगे उस व्यक्ति को तुरंत राहत मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकल कि हम कैसे ये पॉइंट देंगे जिससे कि चक्कर में तुरंत राहत मिले। तो जिस भी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं सबसे पहले आपको इस पोजीशन में लिटाना है उसको। इस तरीके से दोनों हाथों के नीचे हम तकिया लगाएंगे, पेशेंट ऐसे लेटा होगा जिसको चक्कर आ रहे हैं, एकदम रिलैक्स मूड में उसको लेटा है, और यहां से पहला पॉइंट दोनों कोहनियों को ऊपर जॉइंट को क्रॉस करके हमने हाथ रखना है ऐसे, और 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा पॉइंट हम कंधे के बिल्कुल बाजू में रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर तीसरा वही से 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर चौथा पॉइंट से 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, ये हमारा एक ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। ऐसे हमें नॉन स्टॉप चार ट्रीटमेंट देने हैं, यानी कि 4x4 यानी 16 पॉइंट देने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 पॉइंट आपने देने हैं, हर एक पॉइंट 6 सेकंड का होगा, और ये 16 पॉइंट देने के बाद तक आप पेशेंट को कहने के लिए आंख बंद करके रखेंगे। 16 पॉइंट देने के बाद में फिर आप हाथ खोलिए पेशेंट के, उसको बोलो हाथ खोलिए, थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। तो ये जो पॉइंट देते ही चक्कर में तुरंत राहत मिलता है, ये पॉइंट आपके ब्रेन को बिल्कुल शांत कर देगा। ध्यान ये करना है जब आप ये पॉइंट दे रहे हैं तो आप भी बिल्कुल शांत होने चाहिए, आसपास कोई खटर पटर की आवाज नहीं होनी चाहिए, पेशेंट बिल्कुल शांत होगा और आप बिल्कुल शांत होंगे। इस पॉइंट के देते ही पेशेंट को तुरंत राहत मिलेगी।
किसी भी प्रकार का चक्कर हो आप इस पॉइंट को दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा एक सुझाव है आपको कि जिस भी पेशेंट को यह होता है तुरंत ये पॉइंट देकर उसको आराम मिल जाएगा, लेकिन फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आप किसी ना किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से या आसपास किसी डॉक्टर से जरूर मिलिए। इस पॉइंट को आप अपने घर में जहां पर भी जरूरत लगती है उसका उपयोग करिए, और इसका क्या फीडबैक आपको मिलता है, क्या लाभ आपको मिलता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आते हैं मैं उनको जरूर पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करूंगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे उस पर्सनल नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। आप इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पॉइंट का लाभ ले सके। बहुत सिंपल पॉइंट है, बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप जहां पर भी हैं उस जगह पर इस पॉइंट के द्वारा आप किसी भी प्रकार के चक्कर को तुरंत ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।